मनस, वेलकम टू द वीडियो। और अब नया इवेंट आ चुका है यहाँ पे अपना, न्यू ईयर वाला। ये चाइनीज न्यू ईयर वाला इवेंट है वैसे, बट इसको स्प्रिंग इवेंट कह रहे हैं अभी, तो कह सकते हो कि स्प्रिंग इवेंट आ चुका है। और काफ़ी सारे इवेंट्स आए हैं, तो आज हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या आया है इवेंट्स के अंदर। ये सब कुछ चीज़ें, नई नई सिटी थीम्स भी हैं। तो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहे एंड एन्जॉय द वीडियो। हे गवर्नेंस, वेलकम बैक। दिस इज़ कीकी गेमिंग। और देख सकते हो यहाँ पे न्यू ईयर अप्रोचेस, सो चाइनीज़ न्यू ईयर है। आई गेस फ्राइडे को है चाइनीज़ न्यू ईयर और ईयर ऑफ ऑक्स इस बार। सो आप देख सकते हो कि क्या क्या है। ये तो सबको पता ही होगा, ये नॉर्मली है। ये मतलब जो भी इवेंट आता है, जो भी अपना कोई भी फेस्टिवल इवेंट या जो भी, क्या कहते हैं अपना, 1 मंथ वाला या 2 मंथ वाला होता है से, तो उसमें हमेशा यही आते हैं इवेंट्स। और इसको सबको पता है क्या क्या होंगे पूरे 5 के 5 दिन। और मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, उसमें पता होगा, उसमें बता रखा है कि मैंने कि 5 दिनों में क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। और काफ़ी इजी होता है, कुछ वो नहीं है कि हाई प्रोफाइल इवेंट्स वो तो ये कुछ। और आप इवेंट्स करते रहो, आपको ये क्या कहते हैं जो कलर्ड पेपर, ये मिलते रहेंगे। और ये हाँ, ये भी जो कलर्ड पेपर है, और कलर्ड पेपर को कहाँ यूज़ करना है वो भी बता दिख जाएगा कि कहाँ पे है, वो बताऊँगा मैं अभी। और ये सारे इवेंट्स हैं, ये फर्स्ट डे के हैं। और आप जब ये पूरे 100 आउट ऑफ 100 कर लोगे, जैसे 100 होते टोटल, तो आपको ये 100 एपिक हेड, 105 ये मीनर्स की स्पीड है, वो ये लेवल 3 के टूम ऑफ नॉलेज। सो नेक्स्ट आता है लैंटर्न ऑफ टुगेदरनेस। इसमें क्या आएगा, और ये मैं बताऊँ तो F2P के लिए बेस्ट इवेंट है। मतलब ये आप, ये इवेंट हमेशा मतलब ऐसे होता है, सर्कल इनका सर्कल होता है कि पहले आएगा आपका एक, क्या कहते हैं ये 7K वाला, मतलब 7000 जेम्स स्पेंड करो और आपको 35 हेड्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा जो भी जेम्स और रिवॉर्ड दूसरे, और एक परमानेंट सिटीजन, और एक $10 का ये वाला। इस बार पहली बार आया ये, और ये भी काफ़ी वर्थ है, वो भी मैं बताऊँगा क्यों। सो इसमें क्या है कि ये हमेशा इस सर्कल में आता है कि एक बार आपका 7K जाएगा, फिर एक बार आपका वैसे जो नॉर्मल होता है, जो सबसे घटिया होता है, उसमें आपको ये डोनेट करना पड़ता है अलायंस में, और आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। आप बार 100 करते रहो और ये कुछ नहीं। उसमें क्या होता है कि आपको बंडल्स खरीदना ही खरीदना है अगर आपको परमानेंट स्किन चाहिए। इसमें क्या है कि आपको 7K स्पेंड करना है और आपको मिलते रहेंगे, और काफ़ी सही है ये। और हाँ, मैं बता रहा था कि वो कलर पेपर कहाँ से मिलेंगे इसको, ये आप बार हंट करोगे तो आपको मिलते रहेंगे, इसको ओपन करोगे तो काफ़ी मिल जाते हैं इसमें, क्या कहते हैं कलर पेपर। और आप देख सकते हैं रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे, और ये रिवॉर्ड्स है तो वैसे नॉर्मल वाले, बट इस बार इन्होंने ये $10 वाला डाल दिया है। और यहाँ पे आप डोनेट करते रहो जो भी है, डेकोरेट एक टाइप से कह सकते हो, और काफ़ी सही सही चीज़ आएंगी। और इसमें जो $10 वाला बंडल होगा, बंडल को ये क्या कौन से $10 वाला जो भी है वो, तो उसका जो बोनस पहले एक बार देख लेते हैं, तो कहाँ कहाँ से आपको ये मिल सकते हैं। तो ये एक तो ये मैप कलेक्शन से, और सिटी कलेक्शन, और ये बारबेरियन, और सबसे एफिशिएंट और सबसे वर्थ वाला मेरे हिसाब से बारबेरियन वाला ही है। अगर सिटी कलेक्शन और मैप कलेक्शन करें, इससे आपको बहुत कम मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 मिल जाएंगे, 100 या 200 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मिल सकता है आपको मैप कलेक्शन और सिटी कलेक्शन। और वो भी अगर जब आप Zone 1 में और Level 1 की गैदरिंग करे जा रहे हो बस, तो मिल सकते हैं। और बारबिनेस का ये है कि आप जैसे 5 हिट करें आपने बारबिनेस, तो आपके पास ये रहेगा कि आपको 3, मतलब 5 हिट करें तो ये रहेगा मिनिमम आपको 3 तो मिलेंगे पक्का, या 2 मिलेंगे, 3 तो वैसे पक्का क्या है हमेशा, और काफ़ी वर्थ है वो। अगर 4 करोगे तो पक्का है 2 मिलेंगे या 3 मिलेगा, ये रहेगा। कभी कभी 4 भी मिल जाता है अगर अच्छी किस्मत हो। और ये है लकी रेड पैकेट, और ये काफ़ी अच्छी, ये भी बहुत सही है। इसमें क्या होगा कि अलायंस में आप ये भेज दोगे पैकेट, जैसे कि यहाँ पे है आप देख रहे हो Level 1 रिवॉर्ड पे रेड पैकेट, इसको आप शेयर करो अलायंस में, और जिसने पहले उसको मिल जाएगा क्या कहते हैं रिवॉर्ड्स। और रिवॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हल्के फुल्के नहीं, अच्छे वाले रिवॉर्ड्स। और अगर मैं जैसे कि आपको दिखाऊं, तो ये मैंने जैसे अलायंस खोला अपना, तो ये होते हैं जैसे सेंड करा किसी ने, और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और काफ़ी वर्थ होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 जेम्स मिलते हैं, और स्पीड है उसमें 15 R वाला स्पीड अप, और काफ़ी अच्छा है ये, फ्री में मिल रहा है और क्या चाहिए आपको।
तो आते हैं वापस इसमें। तो हाँ, अगर आपके 7K वाला खोलना है, अब मैं जैसे कि बताता हूँ कि जैसे बंदों के पास अभी जैसे 7K जेम्स नहीं होंगे तो वो क्या करें, तो इसमें ये रहेगा कि आप मतलब दबा के बार हंट करोगे। आपको मतलब मैं सही बता रहा हूँ, और जो बार हंटिंग भी करोगे ना, और जो भी AP यूज़ करोगे वो काफ़ी वर्थ रहेगा। और आपको जैसे जेम्स भी बता देता हूँ, और इसी में आपको जेम्स मिल जाए। वैसे पहले देख लेता है, रिवॉर्ड्स पे मैं बताता हूँ कैसे करना है उसको भी। और रिवॉर्ड्स आप देख सकते हो कि कितने सही सही हैं, जेम्स हो गए, जैसे ये हो गए, कीज हो गए, स्पीड अप्स हो गए, स्टार्ट तो हैं, और ये गोल्डन ऑक्स का लैंटर्न एक नया आया है डेकोरेटिव। मेरे को तो काफ़ी शौक है सही में, मैं अपना बता पर्सनली मेरे को काफ़ी मज़ा आता है कि नए नए जो ये डेकोरेशन वाले होते हैं, तो मैं तो कलेक्ट करता रहता हूँ। और जो भी पुराने वाले भी आते हैं ना, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे लिए वैसे अभी तक, तो बस एक मेरा वो रह गया था, वो क्या कहते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है क्या उसका, पर ठीक है जो भी है। और इस बार क्या है कि इन्होंने 50,000 वाला भी वो डाला इसमें, क्या कहते हैं ये रिज़र्व, ट्रूप रिज़र्व। और आप इसमें टोटल, आपको टोटल 35 हेड्स मिल जाएंगे, 10 जो ये बिना उसके, और 15 इसमें, 25 इसमें ये जो 7K आप अनलॉक करोगे। ये देख सकते हो लेवल 6 का रिज़र्व, और ये हमेशा VIP 17 में जब बंदा होता है उसके पास ही मिल सकते हैं ये आपको 50K वाला, बट इन्होंने इसमें ढाल दिया तो बहुत अच्छी बात है सही में। और ये जेम्स देख सकते हो, और ये 15 हेड्स यहाँ पे। और अगर $10 वाला हमने खोल दिया ना, तो भी मतलब काफ़ी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी। और आप मतलब जो भी उसके पेपर्स वेपर्स मिलेंगे ना, आप उससे ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और देख सकते हो वैसे काफ़ी सही सही चीज़ें इसमें भी $10 वाले में, आप में भी खुला होगा तो आपको पता चलेगा, मैं सब अब दिखाऊंगा नहीं इतना सब में। और ठीक है, ये भी अच्छा है। और 7K वाला खोल लो भाई, अगर नहीं है ना जेम्स तो मैं बता दूंगा कैसे करना भी, ये बहुत सही है, मैं बस यही कहूँगा, और कुछ कह नहीं सकता सही में। हाँ, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि बार हंट करना आपको दबा दबा के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 10 यहाँ पे 1,000 ये और 500 वो, टोटल आपको मतलब 1,500 जेम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको एक्स्ट्रा चाहिए 5,500। तो आपको मतलब ग्राइंड कर देना है, आपके पास साथ देना है, आराम से ग्राइंड करो, बार्ब्स बहुत ज़्यादा करो जितने कर सकते हो, AP पूरा यूज़ कर लो जितने आपके पास। नहीं यार ऐसे भी नहीं, बट अगर आपके पास KVK नहीं आ रहे हैं तो आप कर सकते हो, अगर KVK आ रहे हैं फिर तो मैं बोलूँगा फिर तो छोड़ दो, यही कहूँगा और तो कुछ नहीं। अगर आप खरीद सकते हो तो ठीक है, और देख लेते कौन कौन से इवेंट है। एक एस्मेराल्डा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इस बार ये हो रखा है कि नए अपडेट में ये हो रखा है कि जब भी जैसे कोई भी व्हील आता है या ये कोई भी एस्मेराल्डा या टाइप का कुछ भी आता है, तो उसमें ये रहता है कि पहले आपको जो भी जैसे फर्स्ट डे होगा ना, उसमें आपको पहले हमें ये मिलता था, फर्स्ट डे में मिलता था एक फ्री स्पिन, बट अब ये है कि हर दिन में एक एक फ्री स्पिन मिलता है, और एक एक ये 50%। पहले क्या होता था, एक फ्री मिलता था, फिर एक 50%, फिर नेक्स्ट डे में 50%, यही रहता था। और एक ये नया कोरोनेशन इस बार बाइजेंटियन का है, बाइजेंटियन का, और ये भी काफ़ी अच्छा इवेंट है। और आप ये कलेक्ट करते रहो क्राउन, और जब ये होते हैं तो रिवॉर्ड्स लो, और रिवॉर्ड्स में सबसे बेस्ट यही है मेरे हिसाब से, तो कमांडर स्कप्चर चेस्ट। अगर आपका तीनों ये गैदरिंग कमांडर एक्सपर्टीज है, फिर तो आप गोल्डन कीज ले लो, अगर गोल्डन कीज भी नहीं लेना तो फिर स्टार्स ले, स्टार्स बोलो सॉरी, हाँ स्पीड अप्स ले लो, बट स्पीड अप्स का भी इसमें कम ही है मेरे हिसाब से, कुछ कितने होते हैं, 10 होते हैं ना सच, हाँ 10 ही होते हैं, फिर तो स्टार्स ही ले लो, स्टार्स बोलो, कीज ही ले लो, कीज ही बेटर है। और ये नया है रेडियो टैग, और ये भी काफ़ी अच्छे इवेंट है। और आप देख लो यहाँ से भी आपको 1200 जेम्स यहीं से मिल जाएंगे, अगर आपको करना ही है मतलब 7K जेम्स चाहिए चाहिए, तो एक ये भी अच्छा तरीका है लेने का। तो यहाँ से आपको 1300 ये मिल गए, और 1500 वो, 2800 तो यही हो गए, और फिर आपको चाहिए कितने, 4200, तो इतने आप कर सकते हैं ग्राइंड में हिसाब से, तो मेरे को जो लगता है। और अगर आप KVK के अंदर हो फिर तो इजीली मिल जाते जेम्स तो, और अगर वैसे हो आप क्या कहते हैं अपना होम किंगडम में हो, फिर तो बाप्स ग्राइंडिंग यही है एक तरीका, और तो कुछ मेरे को याद नहीं क्या है। और देखते हैं और क्या क्या है इसमें अभी, तो और मैं अभी वैसे KVK 3 भी आने वाला है,
आने वाला क्या, अभी पार्ट वो तो होने लग गए, रजिस्ट्रेशन तो हो गए स्टार्ट, अभी वो भी देखते हैं। और हाँ, अब मैं पूरा मेरा हो गया कि अब मैं T5 पुश करूँगा, और अभी मराउडर्स आएंगे ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को इतने स्पीड अप्स मिल ही जाएंगे कि हाँ मैं पुश कर सकूँ, बट देखते हैं। और हाँ, ये जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लेते हैं, क्या कहते हैं, जो ये रेड कार्ड वाला होता है, वैसे सबको पता ही है कि जो जल्दी 5 बंदों को मिलता है पहले, और जो सबसे पहले टैप कर देगा उसको, जो भी कार्ड जिसने भेजे हैं, तो आपको मिल गया। तो इसमें मेरे हिसाब से तो यही है, अगर आपको वो दोस्त है जो भी क्या कहते हैं ये भेज रहा है कार्ड्स, अगर वो आपका दोस्त है तो वो पहले आपको बता देना कि हाँ भाई मैं कार्ड थ्रो करने वाला हूँ, तो फटाफट टैप कर लियो, फिर तो ठीक है, फिर तो मिल जाएगा। बट जिस फिर और मेरा अलायंस तो वैसे काफ़ी एक्टिव सा ही है, तो भाई जो भी बंदा जो फास्ट है ना और जिसका रिफ्लेक्स अच्छा है, वो आराम से खरीद ले ही लेते हैं। और हाँ, मैं अपना कमांडर्स का बता देता हूँ कि अभी मैं किस पे फोकस करूँगा और क्या क्या। तो मैंने बीच में काफ़ी वीडियोज़ ने बनाए ना, तो उसमें मैंने क्या करा, मेरा YSG एक्सपर्टीज़ हो गया उसमें, और मेरा सालादीन 5551 कर लिया मैंने उसको, और उसका गियर भी काफ़ी अच्छा है, मैं अभी दिखाता हूँ 1 सेकेंड। और फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी एलेक्स को मैं छोड़ दूँ, और एक बार बंडस का देख लेते पहले, छोड़ो तो बंडस में ये करूँगा मैं, ये है जो भी $5 वाला है पहले ये, फिर शायद से $10 का आता है, फिर 15, फिर शायद से सीधा 50 वाला आता है, और फिर 200, 2400 सौ वाले हैं, ये रिचार्ज इवेंट है, तो ये तो बस पूरा भाई पे टू विन के लिए है। इसमें क्या है कि आप मतलब रिचार्ज करते रहो और आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, और इसमें बेस्ट भी मेरे हिसाब से तो यही है, 30 जेम्स वाला, उसमें क्या है ये मिलते रहेंगे आपको जो भी फर्स्ट डे में ये, फिर सेकंड डे में आप करोगे तो 10 हेड, थर्ड डे में स्टार्स, फिर फोर्थ और फिफ्थ में भी हेडसेट्स मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये। बस आपको करना है क्या, आपको बस पे करना, खरीदना कुछ भी, आप उसको भूल ही जाओ कि आप वो कुछ है भी, आप कुछ भी खरीदो, जैसे ये खरीद लिया आपको ये कंप्लीट हो गया, आपको ये मिल जाएंगे इसके रिवॉर्ड्स, ऐसे आपने कुछ और ख़रीदा जैसे ये वाले, इसमें ख़रीद लिया फिर सीधा आपको वो रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, तो यही है बस आपको 2000 जेम्स खरीदने हैं कैसे भी करके, तो यही है भाई क्या बोलूँ। और तो हाँ, आप एक बार कमांडर्स को देख लेते हैं, और काफ़ी नए कमांडर्स भी आ गए हैं इतने दिनों में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 5G एक्सपर्टीज़ है, और सालादीन मैंने 5551 कर लिया है, और आप उसके गेट तो देख ही सकते हो, क्या बात है मेरे बेटे, बेटे देख रहे हो आप, बेटे मौज कर दिया मैंने एकदम ही, तो ये है। और भी काफ़ी, और हाँ मैं जो अब नया फोकस रहेगा मेरा, पहले तो मैं एलेक्स को करूँगा अपना 5511, फिर मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरे को यूज़ ही नहीं करना, मेरे को अब सही में रैमजेस चाहिए भाई, और रैमजेस को मैं करूँगा एक्सपर्टीज कुछ भी हो जाए, तो अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा रैमजेस को, और एलेक्जेंडर को मैं 5511 करके छोड़ दूंगा, फिर करूँगा एक्सपर्टीज़ को, रैमजेस को करूँगा मैं एक्सपर्टीज़। और नए कमांडर्स आ चुके हैं वैसे तो काफ़ी सारे, और जो लास्ट वीडियो थी मेरी कमांडर्स पे वो चंद्रगुप्त पे थी, तो चंद्रगुप्ता पे बनाई थी मैंने लास्ट, और नए नए आ गए देखो आप, हेरल्ड आ गया, जिनोबी आ गई है, वैसे चिजगुल की, और जो दूसरे स्पॉन्सर्स क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोज़ में देख लिया होगा कौन कौन से नए कमांडर्स हैं, एक जिनोबिया है, और ये शायद से 6th जनरेशन है, पता नहीं फोर्थ जनरेशन है, एक साइरस, एक नेबुकनाज़र, और दो नए कमांडर्स आए रिसेंटली एक तक, और ये दोनों है क्या नाम इनका, मोक्टेजुमा और एक ट्रेजन, तो ये दोनों लीडरशिप वाले हैं, और मेरे को उनका कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है इनके स्किल्स ये सब वो सब, देखेंगे इनको भी कभी बनाएंगे इस पर वीडियो, और फिर ये लीडरशिप वर्सेटिलिटी सपोर्ट इसके अलग स्किल्स हैं, इसका तो थोड़ा थोड़ा एडाफ्लेट जैसा है, नहीं नहीं है वैसे, एक ये शिट एकदम, इसको तो छोड़ो, और मेरे को चाहिए आर्टिमिशिया आरती मिश्रा, सॉरी आरती मिश्रा लेके रहेंगे हम। और ये हाँ, अभी ये कुछ नया है ना MG, और क्या कहते हैं ये व्हील्स को, कमांडर्स को जो आप चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, और ये मेरा देख सकते हो, वो भी देखते हैं क्या होगा उसका भी, और लाइट वर्सेस डार्कनेस तो हमारा भी B है, क्या कहते हैं रैंकिंग टाइप कह सकते हो वैसे आप, हमारा टाइप B है, देखते हैं इसको भी क्या सीन रहेगा इसका। और अभी तुम्हारा भाई थोड़ा जेम्स ग्राइंड कर रहा है, क्या पता कभी यूज़ आ जाए इसके लिए। और तो क्या नया है, और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, और हाँ T5 का मैं दिखा देता हूँ मेरा क्या चल रहा है अभी टेक्नोलॉजी का,
सो अभी मेरा ये जो इसको क्या कहते हैं, मेरे को नाम भूल गया मैं, एक सेकेंड। तो मैं तो सोच रहा हूँ जब मराउडर्स आएंगे तो अपना फुल ग्राइंड करूँगा, और अगर क्या पता मेरा इनफ मेरे को स्पीड अप मिल जाए ताकि मैं खोल सकूँ। तो ये हाँ प्ली टार्न मेरा हो जाएगा ये 9 दिन में, इसके बाद अपना ये दोनों कर लूँगा, तीनों आई मीन। और इनका मैंने करा था कैलकुलेशन, तो ये अगर पूरी हेल्प और ये रिसर्च टेक्नोलॉजी ये सब कुछ कर, मतलब क्या कहते हैं, टाइटल वाइटल ले लूँ के, ये कम से कम मेरे को पड़ जाएंगे पूरा का पूरा 300 लगा लो अनलॉक करने तक, मेरे को 300 दिन लगेंगे पूरा। और इतने तो क्या पता मेरे को स्पीड ऑफ मिल जाए मराउडर से, क्या पता। और मेरे को पता नहीं अपडेट के बाद कैसा है सीन, बट देखते हैं चलो क्या क्या सीन है भाई। T5 पुश करना है कुछ भी हो जाए, और फिर वीडियो बनाऊंगा कि F2P या F2P तो नहीं बोलूँगा, अपने आप को वही कहूँगा क्या कहते हैं क्या कहते हैं, फ्री टू प्ले तो नहीं, लो स्पेंडर कह सकते हैं, वो भी $5 वाला। ये लिखूँगा $5 लो स्पेंडर अनलॉक T5 अच्छा बनेगा टाइटल। तो ये देख सकते हो ये है अभी सब कुछ, और अपना इसको करेंगे मराउडर्स, ये एक तरीका मेरे हिसाब से। तो अभी और तो कुछ दिखता नहीं मेरे को कि मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ, या तो जैम्स ही करूँगा, और इतने जैम्स हैं नहीं मेरे पास कि मैं पूरे जैम्स लगा के इसको अनलॉक कर दूँ। और अब मेरा पूरा फोकस, अगर जैसे जैम मोर देन जैम्स भी आएगा तो फिर मेरा पूरा उस पर फोकस रहेगा अपना VIP पे, और मेरे को करना है VIP 14 पुश कैसे करके, वो तो हो जाएगा, देखना है कैसे होगा। और इस बार सिटी थीम भी मेरे को काफ़ी सही लगी है, आई गेस उसकी आर्चर डिफेंस 5 है और कैवेलरी अटैक -5 है, और देखने में काफ़ी कूल है यार। तो यार बस यही है पूरी वीडियो में, और क्या मैं दिखाऊँ, और एक बार देख लेते हैं क्या पता मेरे को मिल जाए कोई, ट्राई करते हैं भाई। बंदे बहुत फास्ट हैं, नहीं कोई मौका ही नहीं है। एक तो बंदे पूरे दिन मेरे जैसे ऑनलाइन बैठे रहते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं भाई, और आप देख सकते हो रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी बंदों को तो 500 जेम्स और ये 15 आर के स्पीड अप ऐसे मिलते हैं चुटकियों में, हम भी रह गए भाई पागल, हमें नहीं मिलता कुछ। और एक बार अलायंस भी देख सकते हो मेरा कितना अच्छा अलायंस है अभी देखते हैं KVK3 में क्या होगा, अभी तो सभी हैं एकदम हाइप्ड हैं कि हाँ भाई हम भी जीतेंगे। और हाँ इस बार पूरी मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रीम व्रीम करूँगा, देखते हैं क्या होगा। और यार थोड़ा करो यार गाइज, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइज मैंने क्योंकि देखे यार काफ़ी जो ये अपने एशियन कंट्रीज वाले हैं ना, जैसे ये फिलीपींस हो गया, ये क्या कहता हम नाम इंडोनेशिया वाले या ये वियतनाम वाले, इनके भाई काफ़ी मतलब लाइव स्ट्रीम में भी ठीक ठीक आ जाते हैं, और क्या कहते हैं इनके सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ढंग के हैं यार। यार थोड़ा इंडिया वालों को बोलो यार, राहुल को सपोर्ट करें, आई मीन किकी को, थोड़ा हम भी इंडिया वाला थोड़ा हम भी बढ़ाएं अपनी क्या कहते हैं अपना लाइव स्ट्रीम करें कुछ। और मैं तो KVK3 में अपने जो ये भी होंगे क्या कहते हैं अपना रैलीज होंगी या कुछ भी अपना रैलीज, और ये अपना क्या कहते हैं इसको फील्ड फाइट हो गया या फ्लैग फाइट हो गया या अपना एक दो और चीज़ें होती है ना रूइंस फाइट, हाँ रूइंस फाइट, और उसमें KVK3 में रूइन फाइट मेरे को सबसे बढ़िया लग गया है, और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ अभी क्या अपनी मार्चिस तैयार करूँगा वो भी देखेंगे। मार्चिस तो मेरे हिसाब से मैं अपना सालादीन के साथ पता नहीं कौन सा यूज़ करूँगा, आई डोंट नो, मे बी अगर मेरे को टकेड़ा मिल गया तो वही यूज़ करूँगा, बट देखते हैं जो भी है। ये देखो ये इतनी स्पीड है भाई बंदों की, 15 आर्स के तो ऐसे मिल गए, और मेरे को तो ये देखो खुल ही नहीं रहा, ये को आया था इसमें भी रह गया मेरा। नहीं बंदे इतने तेज हैं यार क्या बताएं, हम ही रह गए थोड़े स्लो अरे यार एक और आया, देखते हैं कोई मौका नहीं भाई, जैसे भेज रहे हैं ऐसे ही एकदम मतलब बैठे रहते हैं, तो कि जैसे भेज रहे तभी टप एकदम, मेरे तो रिफ्लेक्सेस ही नहीं है या मेरा पता नहीं स्लो है, ये खुलने में इतना टाइम लगता था, ये वाह छोड़ो भाई मैं तो हाथ उठा लिए इसके लिए। तो बस यही है गाइस वीडियो में, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं कभी, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय।